हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए आर्ट मटेरियल के बारे में जो कि मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से, और मैं इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैंने कितने में परचेज किया और इसका यूज़ क्या है और कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। मैं सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा और अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये है वो पार्सल जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, और आजकल फ्लिपकार्ट वाले बहुत ही अच्छे पैकेजिंग अच्छा कर रहे हैं। पहले ऐसा पैकेजिंग नहीं हुआ करता था, तो देखते हैं अब अंदर में मटेरियल कैसा है। पहले मैं इसे थोड़ा सा फाड़ लूँ। गाइज, मैंने पहले इसे फाड़ के देखा था कि इसमें मटेरियल्स है भी या नहीं है, तो अब मैं इसे भी फाड़ लेता हूँ थोड़ा सा और ज़्यादा ताकि अच्छे से निकाल पाऊँ। मैं रख देता हूँ इसे साइड में, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है वो मटेरियल, और आप इसे देख सकते हैं कि बबल रैपिंग किया हुआ है जिससे ये मटेरियल ख़राब नहीं होता है। क्योंकि गाइज, ये मटेरियल बहुत ही बहुत ही अजीब तरीके से आते हैं ट्रे में भर के, तो इस वजह से ये ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इसे रैप किया जाता है, बबल रैपर से रैप किया जाता है। तो आप देख सकते हैं गाइज, ये है वो मटेरियल जो कि इसे पेंटिंग ग्लव्स के नाम से इस पर रैपर पर लिखा हुआ है, इसके प्लास्टिक पर पेंटिंग रैपर्स। और गाइज, ये है एक पेंसिल जो कि मैं इसका रिव्यू भी बाद में करूंगा, इसे मैं साइड में रख देता हूं। इसके साथ में ये मुझे मिला था, तो इसे मैं साइड में रख देता हूं और इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अब बात करते हैं इस पेंटिंग ग्लव्स के बारे में। गाइज़, ये पेंटिंग ग्लव्स सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि गाइज़ आप सभी को पता है चारकोल और पेंसिल्स, जब हम लोग ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करते हैं तो हाथ में लग जाता है ग्रेफाइट और चारकोल फैल जाता है पूरी तरह से, उसको ये अवॉइड। जब हम लोग ग्रेफाइट और चारकोल का यूज़ कर रहे होते हैं, तो चलिए अब इसे खोल के देखते हैं गाइस किस फैब्रिक का बना हुआ है ये और कैसा है इसका बिल्ड क्वालिटी। मैं इसे खोल लेता हूँ गाइस। ये छूने में तो सिल्की टाइप का फील हो रहा है और काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है ये। इसमें ओनली वन टू फिंगर्स है जो कि लास्ट के टू फिंगर्स होते हैं उसके लिए है, क्योंकि हमारा पाम जो ड्राइंग से पेपर और कैनवास के टच में होता है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो गाइज बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, और ये आई थिंक नाइलॉन या सिंथेटिक का बना हुआ है जो कि बहुत ही स्ट्रेचेबल भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ईजिली चला जा रहा है और ये बहुत अच्छे से फिट बैठ गया। इसे मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील हो रहा है गाइस, और हाथ में पसीना भी नहीं आएगा क्योंकि ये सिंथेटिक का बना हुआ है और पूरी तरह से ये ब्रीथेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पसीना आएगा भी। तो चलिए अब हम लोग इसे एक बार टेस्ट करेंगे गाइस। हम लोग दो पेंसिल्स लेंगे जो कि एक ग्रेफाइट एंड एक चारकोल पेंसिल होगा, और उससे हम लोग इसको ड्रॉ करके देखेंगे और देखते हैं कि ये वाकई में ऐसा काम कर पाता है या नहीं। तो चलिए अब हम लोग एक ड्राइंग बना के देखते हैं। तो गाइज़, मैं इस जेरोक्स पेपर का यूज़ करूँगा अभी ड्राइंग को करने के लिए, और ये है रेफरेंस फ़ोटो जो मैं इसे अभी ड्रॉ करूँगा। गाइज़, मैं इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल भी लाने वाला था इस साइज़ के ऊपर, और मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। फ़िलहाल मैं इसका यूज़ अभी एक रफ़ ड्राइंग के लिए करूँगा। तो गाइज़, ये मैं अभी इसमें दो पेंसिल्स का इस्तेमाल करूँगा जो कि एक ग्रेफाइट पेंसिल होगा, एक चारकोल पेंसिल होगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये दोनों में बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और गाइज, ये वीडियोस टाइम लैप्स होगा, तो मैं इसे जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेता हूं और मैं आपको बताता हूं फिर आगे ये कैसा वर्क कर रहा है। फाइनली गाइस, ये आइज़ कंप्लीट हो चुका है और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ इस पर करने में। अब मैं इसे रब करके देखूंगा और देखता हूँ तब भी ये फैलता है कि नहीं। अब तक तो ये फैला नहीं है, बट अब मैं रब करता हूँ और देखता हूँ कि ये फैलता है या नहीं।
तो गाइज़ मुझे नहीं लग रहा है कि ये ग्रेफाइट फैल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइज़ ये ग्रेफाइट पे तो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस पे करने में ग्रेफाइट में। तो अब चलिए अब हम लोग देखते हैं चारकोल में करके उस पे क्या रिजल्ट आता है। तो गाइज़ मैंने एक और जेरोक्स पेपर ले लिया है और मैं ये तीन चारकोल पेंसिल्स का यूज़ करूँगा आइस को ड्रॉ करने के लिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज़ ये रफ़ स्केच ही होगा, तो गाइज़ ये भी रफ स्केच होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइज ये भी कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। और अब मैं देखता हूँ इसके ऊपर भी रब करके कि ये फैलता है या नहीं। अभी तक तो ये फैला नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं पेपर के साइड साइड में कहीं भी ये चारकोल लगा नहीं है। तो अब मैं इसे भी रब करके देखता हूँ कि अब फैलता है या नहीं। तो गाइज़ बहुत ही अच्छी ग्लव्स है एक आर्टिस्ट के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी ये फैल नहीं रहा। आप इसे परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ये मुझे फ़्लिपकार्ट पे 295 रुपीज़ का मिला था, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।